वेलकम बैक टू आवर चैनल रिएक्शन ऑन इंडिया। मेरा नाम है नाजिया। मेरा नाम है मिनाहिल। तो आज जिस वीडियो पे हम रिएक्शन करने जा रहे हैं, आज हम लोग जिस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं वो है एक वीडियो, जैसे कि बिलावल भुट्टो का विजिट हुआ इंडिया में, उससे पहले जो उन्होंने वीडियो पैगाम जारी किया उससे रिलेटेड जितने भी कमेंट्स थे इंस्टा पे उन्होंने ये जारी किया था, वो हम लोग देखेंगे कि क्या क्या कमेंट्स थे, और अंकित सर जो है वो हमें उन कॉमेंट्स के बारे में बताएंगे। सो वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। सो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। ये बालक है, बैठने से पहले अपने द्वारा बताता है कि हाँ भाई मैं जा रहा हूँ, अपना एक तरह से इंस्टाग्राम वीडियो बनाता है। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आज मैं गोवा भारत जा रहा हूँ, जहाँ मैं पाकिस्तान के डेलीगेशन को क़यादत कर रहा हूँ, टू अटेंड द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स। मेरा जाना ये वाज़ेह पैगाम भेजता है कि पाकिस्तान कितना अहमियत ये SCO को देता है और कितना सीरियसली अपना मेम्बरशिप को भी लेता है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एंगेजिंग बायलैटरली उन ममालिक के साथ जो इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। आपका शुक्रिया। अपने द्वारा मैसेज करते हैं ये कि मैं जा रहा हूं। अब जब भाई साहब इन्होंने ट्वीट किया, जानकारी दी अपने द्वारा, तो भाई साहब पाकिस्तान के लोगों ने इनसे कहा, भाई साहब इस बार जा रहे हो कुछ गड़बड़ करके मत आ जाना। इनके नीचे ट्वीट देखिए जो पाकिस्तानियों के ही हैं, पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक डियर चेयरमैन साहब। नेक्स्ट, पाकिस्तान नीड बेटर रिलेशन विद इंडिया, गुड मूव। सारे पाकिस्तानी हैं। नेक्स्ट, गुड लक, your inordinate power to stay on the message must be utilized to full, please don't be distracted by noise and controversy, कृपया करके कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व मत हो जाना। इनको वहां से हिदायत देके भेजी जा रही है, बच्चों को जैसे कहते हैं ना, जैसे कई बार आप कहीं बाहर घूमने जाएं तो पापा मम्मी क्या कहते हैं, बेटा बस से हाथ बाहर मत निकालना। अब इनको वहां से भेजा जा रहा है, एक बच्चा आ रहा है इंडिया, है ना, अब इंडिया देखने आ ही रहा है कि मेरे बाबा दादी का घर कैसा है, है ना, तो वो देखने आ रहा है यहाँ पर, तो उस बालक को कहा जा रहा है देख वहां पर कोई कंट्रोवर्सी मत कर देना, पता चलेगा कि आजकल वहां पर बड़ा एनकाउंटर चल रहे हैं, कुछ गलती से हो गया, दिक्कत हो जाएगी। विश ऑल द वेरी बेस्ट ऑनरेबल चेयरमैन साहब, बेस्ट ऑफ लक फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बिलावल भुट्टो। यानी इनको बहुत सारी शुभकामनाएं दी जा रही है कि वहां बहुत बढ़िया, जाओ जाओ जाओ, कुछ अच्छी बात करके आना, कुछ गड़बड़ मत करके आ जाना। इधर देखो, विश यू गेट गुड लक, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन, अनदर स्टेप टुवर्ड्स पीस एंड हार्मोनी इन द रीजन ऑल अराउंड द ग्लोब। यानी यहां पर सब लोग चर्चा ये कर रहे हैं, अच्छा है भाई तू जा, कम से कम शांति की बात करके आ, इंडिया से शांति रहेगी तो हमारे यहाँ पर तरक्की होगी। पीएम मोदी को भी कुछ कह के आया है ना, आपसे पहले इसने कुछ कहा है, पीएम मोदी पहले कुछ कहा। नाउ टर्न अप आवर जेम्स बॉन्ड। आज फॉरेन मिनिस्टर of an SCO member state, Mr. Bhutto Zardari was treated accordingly. As a promoter, justifier, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry, which is the mainstay of Pakistan, his positions were called out and they were countered, including at the SCO meeting itself. So let me come to the specifics. On the China-Pakistan economic corridor, the so-called corridor, I think it was made very clear, not once but twice in the SCO meeting, that connectivity is good for progress, but connectivity cannot violate the territorial integrity and so on.
सबको ही पता है कि क्या कहा होगा। आपका जो अनुच्छेद 370 वाला जो सवाल जो था, मैं आपको अंग्रेजी में जवाब दे रहा हूं, क्योंकि आई हैव अ फ्रेज विच इज वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। 370 इज हिस्ट्री, सूनर पीपल रियलाइज इट द बेटर। आज हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को भी कहना चाहता हूं कि क्या आप में कोई तहजीब नहीं, क्या आप में कोई एटिकेट नहीं कि हमारे आपके मुल्क में एक मेहमान आता है या तो उसको बुलाए ना, लेकिन बुला के इस तरह जलील करना ये हिंदुस्तान पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये आपका जो तकब्बुर है, मैंने ये जो तकब्बुर आप पे देख रहा हूं, ये याद रखे कि अल्लाह का कानून है कि जो ताकतवर है वो हमेशा ताकतवर नहीं रहता, और जो कमजोर है वो कमजोर भी हर बार ही नहीं, हर वक्त नहीं रहता। इंशाल्लाह हमारा मुल्क उठेगा और कानून की हुक्मरानी के ऊपर हम खड़ा करेंगे, रूल ऑफ लॉ पे इस कौम को खड़ा करेंगे और इंशाल्लाह एक अजीम मुल्क बनाएंगे। सो बात करते हैं पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का इंडिया में विजिट एससीओ मीटिंग के लिए। सो मुझे लगता है कि ये उन्होंने माइंडसेट, जैसे कि पाकिस्तानी जो आपको कह लेंगे पॉलिटिशियंस हैं या जो भी, जाहिर सी बात है इनको पता तो था ही, एक माह पहले ही पता होता है कि भाई इस मंथ में ये मीटिंग है तो इसमें हमने क्या क्या मुद्दे उठाने हैं या क्या क्या बातें करनी है, तो वो इनकी प्रेपरेशन पहले से थी। ये नहीं कि जाने से पहले ही उन्होंने एडवांस उन्होंने पैगाम जारी किया या पैगाम बताया कि ये मल्टीलैटरल विजिट है, बायलैटरल मैं नहीं हूंगा किसी के साथ भी। तो किसी के साथ से मुराद ऑब्वियसली इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ही थे। तो इसके बारे में मैं यही कहूंगी कि अगर इन्होंने डायरेक्टली ये मुद्दा नहीं उठाया तो इनडायरेक्टली भी इसको नहीं उठाना चाहिए था। जैसे मीडिया हमें बात करते हुए उन्होंने आर्टिकल 370 को ले आए, तो उनको नहीं उठाना चाहिए था, क्योंकि उनको जयशंकर जी ने भी मतलब मुंह की उनको आगे से, बल्कि ये स्पोक्स पर्सन कह देना कि आप टेररिज्म के स्पोक्स पर्सन हो किसी फॉरेन मिनिस्टर को, ये कोई छोटी बात नहीं है, और इतने प्रूफ के साथ, और फिर आप उसको काउंटर भी नहीं कर पाए क्योंकि आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। तो मुझे लगता है कि वाकई ये एक ह्यूमिलिएशन ही है कि आप, पहली बात तो ये कि आप जाओ ना, आप एससीओ को इतनी मीटिंग किस लिए दे रहे हो, किस वजह से? आप उनको थ्रू वीडियो लिंक भी इसको कर सकते थे, डन, ठीक है, पहले चले आप लोगों से हलफ लिए गए या कुछ कमिटमेंट होती है जब ये मीटिंग स्टार्ट हुई है, जब आपको शामिल किया गया, आई थिंक 2017 में जब आपको एससीओ में शामिल किया गया था, तो वो कुछ होते हैं मतलब कुछ तंजीमों के ही होते हैं कि भाई आपने इसका वायोलेशन नहीं करना या इसका नहीं करना, तो भाई आपके हालात इस किस्म के हैं, सब मुल्कों को मुल्क इस चीज को समझ सकते हैं कि यार अभी वो इसमें नहीं है, जितना आप पैसा लगा है इस विजिट में या वो किसी और काम में भी आ सकता था, तो ये मेरे ख्याल से आसानी से सब लोग समझ सकते हैं कि यार अभी उनके हालात इस टाइप के हैं कि वो ये अटेंड नहीं कर सकते, कोई भी रीजन रख सकते थे, और बेसिक रीजन आपकी ये भी हो सकती थी कि अभी हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है, और साथ में वो पुंछ का वाकया हो चुका था, तो ये सारी बातें हो चुकी थी, वही पहले के महीना पहले लोगों को पता होता है कि इस मंथ में या अभी इस डेट पे जो है ये मीटिंग है, तो बंदा जो है वो पहले से प्रिपरेशन कर लेता है, और जब आपको पता हो कि आगे जो इंडिया वाले हैं वो तैयार बैठेंगे, जैसे ये कोई कश्मीर की बात करें तो हम इनको अच्छी खासी जो है वो सुनाएं, तो आपको वाकई इनडायरेक्टली भी जो है वो इस किस्म इस टॉपिक पे बात ही नहीं करनी चाहिए थी, जब आप घर से ही माइंड सेट बना के गए कि यार मैंने इस टॉपिक पे बात नहीं करनी, मैं तो सिर्फ जस्ट एक एससीओ की मीटिंग का जो मेंबर हूँ उस तौर पे जो है वो मैं मीटिंग अटेंड करने जा रहा हूँ, तो आप इधर उधर उस जो आपका मतलब वो है, कह लो आपका जो गोल है कि बस मीटिंग अटेंड करनी है वो अटेंड करो, वापस आ जाओ, इधर उधर हटने की आपको भटकने की जरूरत ही नहीं थी, और फजूल की बातें करने की मेरे ख्याल से जरूरत ही नहीं थी, जिस मकसद के लिए वो करके जो है आपको वापस आना चाहिए था। बिल्कुल, और मैं इमरान खान की बात से बिल्कुल अग्री करूंगी कि ये वाकई ह्यूमिलिएशन है पाकिस्तान की, क्योंकि जाहिर सी बात है कंट्री या ठीक है अभी हालात नहीं है उस तरीके के, या खुद अपना जो है ये वाकई मजाक बना रहे हैं, लेकिन है तो दर सी बात है, एक मुल्क है ना, सबकी सब मुल्कों की जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट है वैसे इनकी भी होती है, एक वो कहते हैं ना एक मुल्क का जो फॉरेन मिनिस्टर है अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करता है, तो ये सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर की ह्यूमिलिएशन है, ये पाकिस्तान की ह्यूमिलिएशन है, और वो भी सामने बैठ के अगर कोई बंदा ऐसे कहता है तो ये वाकई ये सही बात नहीं है, तो मैं बिल्कुल इससे अग्री करूंगी कि ऑब्वियसली कभी ना कभी हमारा मुल्क भी ऊपर जाएगा इंशाल्लाह, और हमारे भी टर्म्स जो है वो सब मुल्कों के साथ, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो अच्छी होगी, हमारे जो हालात हैं वो बेहतर होंगे, डिप्लोमेटिक टर्म्स हमारे सही होंगे, तो इंशाल्लाह। तो ये था आज का हमारा रिएक्शन, तो
तो अगर आपको रिएक्शन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा जो लोग चैनल पे नए हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक दें हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज़।